हेलो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं कैबेज, यानी कि जो पत्ता गोभी होती है उसके पकोड़े। यहाँ पे देखिए, हमने ये तैयार करके रखे हैं। ये बहुत ही सिंपल है। इसमें 1/4 किलो बेसन का आटा लगाया है, 1/2 किलो कैबेज, 2 टेबल स्पून चावल काटा, जिससे क्रिस्प बनते हैं। तो जब भी आप पकोड़े बनाते हैं तो चावल काटा ज़रूर ऐड करें। इसमें 2-2 प्याज टमाटर हैं, 4 हरी मिर्च को बारीक चॉप कर लिया हमने, 4 से 8 भी ले सकते हैं आप। 1 टीस्पून इसमें अजवाइन पाउडर है, 1 टेबल स्पून धनिया का पाउडर जो दरदरा पिसा हुआ है, नमक है, हल्दी है। और इसके बाद हमने इसको यहाँ पे इस तरीके से तल रहे हैं हम इसको। इसको हर 30 सेकंड में आपको घुमाना है और इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पे देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको इस तरीके से ये बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। ये कैबेज के पकोड़े हैं, जो कि आप आसानी से जब भी आपको नाश्ते में जल्दी झटपट बनाना हो तो ये बना सकते हैं। एज अ स्नैक भी बना सकते हैं अगर कोई मेहमान आता है तो ये कैबेज यानी कि पत्ता गोभी के पकौड़े हैं। सिंपल है, इसको बनाना तो ज़रूर ट्राई करें। हमें नीचे कमेंट्स में बताइए झटपट बनने वाले पकौड़े कैसे लगे आपको। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।